हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इट्स गुरपाल सिंह, योर अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स टीचर. हाउ आर योर स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड. सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस टिल एग्रीकल्चर सेक्टर. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, द सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर at the time of independence. Okay, as we have studied about the agriculture sector, that agriculture sector was stagnant at that time, that was too much backward and there was low productivity in agriculture and all, and there was a zimindari system. These all the things we have studied in the agriculture sector, right? So in this video we are going to study about the condition of industrial sector. See, what was the condition of industrial sector of India at the time of independence? India could not develop a sound industrial base under a colonial rule. India us waqt kya tha, bahut hi zyada strong. They are not able to build up a sound industrial base under the British rule. Even the country's world famous handicraft industries declined. Aur us waqt इंडिपेंडेंस के टाइम में, जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ब्रिटिशर्स का रूल था हमारी कंट्री में, इंडियाज फेमस पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर स्टार्ट डिक्लाइनिंग. नो कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस वॉज अलाउड टू कम अप. किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल को जो हमारे इंडिया का था अलाउड नहीं किया जा रहा था, राइट. दिस सेक्टर नीडेड मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट. एंड ब्रिटिशर्स वर यूजिंग मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन. ओके, सो डे बाई डे दिस सेक्टर वॉज नीडेड मॉडर्नाइजेशन. दैट वाइज इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज ऑल्सो रूरल, पुअर. बाई द हेल्प ऑफ दिस इमेज यू कैन इमेजिन वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट. Here you can see all the things like this. They were doing this way. Industries are not going on like this. Okay, on and all. Now see what condition was of industrial sector. थोड़ा सा deeply पढ़ेंगे. To get raw material from India at cheap rate and thus reduce India to mere exporter of raw material to the British industry. अब यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा इंडिया को, मैंने पहले भी बताया कई बार, एक्सपोर्ट का हब बनाया गया था. एंड फॉर व्हाट दे वर एक्सपोर्टिंग, दे वर एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल. ठीक है, ब्रिटिशर्स वर एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम आवर कंट्री, राइट. एंड दे वर सप्लाइंग और टू आवर कंट्री मीन्स इंडिया हैव टू इम्पोर्ट फिनिश गुड्स एंड फॉर दैट दे हैव टू पे मोर एंड दे वर बाइंग फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट. रॉ मटेरियल को बहुत ही सस्ते रेट पे खरीद रहे थे. ओके, टू सेल मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस. अब ये चीज़ें क्यों हो रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कि जिससे क्या हो सके, ब्रिटिशर्स कैन सेल द प्रोडक्ट्स इन इंडिया एट हायर प्राइसेज. इट क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रिटिशर्स वर परचेसिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, मतलब सस्ते खरीदते थे. एंड दे वर सेलिंग मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडिया एट हायर प्राइसेस, राइट. आफ्टर दैट डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अभी ऑलरेडी मैंने बताया था ना, उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं कैसे डिक्लाइन करा. टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड टैरिफ फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन इंडिया अलॉन्ग विद हैवी ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इम्प्लाइड अ लॉस ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट्स फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट. किस तरह से बेटा, जो हैंडमेड प्रोडक्ट थे इंडिया के, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इंडिया की, वो बर्बाद हुई. कैसे हुई? ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि जो भी यहाँ से रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन के लिए जा रहा था, ब्रिटिश को जाता था, उस पर जो एक्सपोर्ट के चार्जेस थे, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो सारे फ्री कर दिए, राइट. एज वेल एज इन इंडिया दे मेक अ पॉलिसी ऑफ टैरिफ फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. और ब्रिटिश से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बने हुए आते थे उनको भी टैरिफ फ्री कर दिया. मीन्स दे वर परचेसिंग फ्रॉम देयर एट द लो कॉस्ट एंड दे कैन सेल ऑल द प्रोडक्ट्स इन इंडिया एट हायर प्राइसेस, राइट. फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो उनके बिजनेस चल गया.
जो इंडिया का प्रोडक्ट था बेटा, किसका, इंडिया का प्रोडक्ट था, राइट, एंड ऑन दैट प्रोडक्ट दे इम्पोज हैवी ड्यूटी, ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जिससे प्रोडक्ट महंगा हो जाए, ठीक है, एंड दैट प्रोडक्ट कैन नॉट बी अफोर्ड बाई ब्रिटिशर्स, और उसको फिर ब्रिटिश कंट्रीज़ में लोग खरीदना बंद कर दें, ठीक है, इंडिया में भी उसको लोग कम खरीदने लग जाएँ. लो कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन गेव स्टिफ़ कॉम्पिटिशन टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, ठीक है. अब जब कम लागत पे मशीन से बने हुए प्रोडक्ट इंडिया में आ गए, तो उन्होंने क्या करा, इंडिया के सामने एक बड़ा, बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन ला के खड़ा कर दिया. ओके, मीन्स यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गेटिंग अ हैंडमेड प्रोडक्ट इन 1000 एंड द सेम प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाई मशीनरी यू आर गेटिंग इन 100, विच यू विल प्रिफेयर, यू विल प्रिफेयर सिंपली 100, बिहार आदमी को पैसा बचाना है. तो सेम गेम वॉज प्लेड बाई ब्रिटिश इन अ कंट्री, उन्होंने भी बेटा कुछ इसी प्रकार किया था कि जिसमें अपना माल वो सस्ता दे रहे थे मशीन से बना करके, और वहीं पर जो हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट थे उनकी लागत ज़्यादा लग रही थी, तो उनकी कीमत भी हमें ज़्यादा देनी पड़ रही थी, ठीक है. सो प्रियर टू द ब्रिटिश रूल द नवाब्स एंड राजास यूज्ड पेट्रोनीज हैंडीक्राफ्ट. द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल मीन द डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स एंड सब कॉन्सिक्वेंटली द एंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. अब जैसे जैसे ब्रिटिश रूल आया, वैसे वैसे जो नवाब थे इंडिया के, राजास थे, इन विच देवर यूजिंग द पेट्रोनीज हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया, they were started declining day by day. Okay, next, decline of handicraft industry, same point. Indigenous goods lost their market to the growing demand for British product. जो हमारे homemade products थे उन्होंने अपनी market को खो दिया, महंगे होने लग गए, ठीक है, British कम rate पर दे रही थी, by which our country handicraft lost their demand. After that, development of means of transport accelerated the process of decline of handicraft. जैसे जैसे ही इंडिया में ना ब्रिटिशर्स ने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेल कराने शुरू कर दी, एंड ईजली दे वर डिलीवरिंग देयर मशीनरी मेड प्रोडक्ट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री, जहाँ पे हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स नहीं जा सकते थे, बाई विच द पीपल वर गेटिंग मशीनरी मेड प्रोडक्ट ईजली इन अ कन्वीनियंट रेट, सो दे वर स्टार्ट बाइंग that products. Okay, beta. So due to that, handicraft declines year by year. Okay. Next, you can say also, ki what was the adverse impact on handicraft industry? It created large scale unemployment. Now you can take an example. Ki if 10 people are required to make a building, मतलब जिसको आप हिंदी में बोलो तो ceiling बोलते हैं, इंग्लिश में छत डालने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है, वहीं पे बाय द हेल्प ऑफ मशीन 1 मशीन एंड 2 लेबर कैन कंस्ट्रक्ट इंटायर एरिया ऑफ द सीलिंग, मतलब छत को वो पूरा डाल सकते हैं एक लेबर थोड़ी सी एरिया के लिए, मान लो जहाँ 10 मजदूर लगते हैं तो वहाँ आप मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 मजदूर लगाने होंगे और मशीन यूज़ करनी होगी, ठीक है. तो अब वहाँ पे क्या हुआ, 8 लोग तो अनएम्प्लॉय हो गए ना, तो सेम थिंग वॉज प्लेड बाई ब्रिटिश. ओके, दे वर यूजिंग मशीनरी एंड इन द मशीनरी द लेबर रिक्वायरमेंट वॉज वेरी लो. तो द मोस्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसका सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा इम्पैक्ट, कॉटन टेक्सटाइल. पहले तो हाथ के बने हुए सारे कपड़े आते थे, बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने क्या करा, उसको फ्लॉप कर दिया. अ लार्ज नंबर ऑफ वीवर्स बिकम अनएम्प्लॉयड, जो बुनने वाले थे ना, जैसे स्वेटर बुने जाते थे पुराने ज़माने में, ठीक है, कई अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. ओके, एंड दीज अनएम्प्लॉयमेंट क्राफ्ट्समैन माइग्रेटेड फ्रॉम अर्बन टू विलेजेस, और जो ये शहरों में लोग रह रहे थे वहाँ से वो विलेजेस में शिफ्ट हो गए. तो दिस इंक्रीज द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर इन विलेज, ठीक है. अब जिससे क्या हो गया कि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने लगे. तो कंज्यूमर्स डिमांड इन द इंडियन मार्केट कुड नॉट बी मेट बाई द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स विच इनकरेज द इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, राइट, एंड मोस्टली कंज्यूमर वर स्टार्ट प्रेफरिंग द ब्रिटेन मेड प्रोडक्ट्स. ओके, सो देयर वॉज स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर मेनली डोमिनेटेड बाई इंडियंस एंड दे वर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात. ओके, ऑन द अदर हैंड जूट मिल्स इन बंगाल वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, और जो आपका जूट की मिल्स हैं वो बंगाल की तरफ शिफ्ट कर दी गई, जिससे मॉडर्न इंडस्ट्री थोड़ी फेलियर हो गई. आफ्टर दैट
द क्रेडिट ऑफ आयरन एंड स्टील इंटरवेनिंग गोज टू द जमशेद टाटा इन ऑगस्ट 1907 एंड इट्स बिगन इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम 1912. नो अटेंशन वॉज पेड बाई ब्रिटिश रूलर टू द प्रमोशन ऑफ कैपिटल इंडस्ट्री इन इंडिया. और कैपिटल इंडस्ट्री पे ब्रिटिश के द्वारा कोई भी फोकस नहीं कराया था. ब्रिटिश फोकस मेनली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ब्रिटिश ज़्यादातर फोकस कर रही थी कि कैसे हम अब इंडिया में नेटवर्क फैला सकें. लाइकवाइज रेलवे, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट को उन्होंने की, जैसे पोर्ट के माध्यम से दे कैन एक्सपोर्ट अ रॉ मटेरियल फ्रॉम अवर कंट्री, एज वेल एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, जिससे इजिली वो लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएँ. ओके, सो एज वेल एज देयर आर बट टू मेन ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP वॉज वेरी स्मॉल. कि इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो GDP में बहुत ही कम था, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर वीक रहा थोड़ा. देयर वॉज वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द कंट्री. पब्लिक सेक्टर के लिए लिमिटेड एरिया था. पब्लिक सेक्टर इन दोज डेज वॉज कन्फाइंड ओनली टू द रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड फ्यू डिपार्टमेंटल. राइट, सो ऑल दीज थिंग्स आर द ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो आई होप यू हैव गॉटेड ऑल द थिंग्स अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर. क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर वीक रह गया था बेटा? देवर फोकसिंग ऑन द मशीनरी प्रोडक्ट्स. मोस्ट ऑफ द थिंग्स देवर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया इन रॉ मटेरियल एंड देवर नॉट इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग फिनिश गुड्स फ्रॉम इंडिया. राइट, द ब्रिटिश वॉज फोकसिंग द मोर इजी वे कम्युनिकेशन इन इंडिया, पावर जनरेशन, रेलवेज एट्सेट्रा. सो ऑल द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. बोर्ड एग्जामिनेशन यू कैन गेट 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिल सकता है. राइट, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ. एंड इफ़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर देन यू कैन मैंशन योर कॉमेंट in the comment box by writing your query, as well as you have to write your SR number. Putting or mentioning SR number is compulsory, right? And you have to prepare note all whatever we are discussing, and in the reference you can use VKHORI publication book as well as NCERT book, whichever you are feeling better, jisse aap mein comfortable lag raha ho aap usko use kar sakte hain. And it is very necessary in Indian economic development, whatever you have स्टडिंग बाय द हेल्प ऑफ वीडियो. और जो भी आप वीडियो में देख रहे हो प्लीज़ प्रिपेयर नोट्स. आपने वीडियो देख लिया आप भूल जाएंगे. फॉर रिमेंबरिंग, याददाश्त बनाए रखने के लिए एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स बाय योर सेल्फ. राइट, आपको नोट्स बनाने ज़रूरी हैं इसके. ओके, आप अगर नोट बना लेंगे आप ही का फ़ायदा है. ठीक है, आपको एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी. एंड वॉट एवर यू थिंग्स यू आर लिसनिंग, इफ़ यू आर नॉट राइटिंग देन यू कैन फॉरगेट इट ईजली. आपको जल्दी ही बहुत जल्दी जल्दी आप भूल सकते हैं. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा.